लॉकडाउन के चलते कलमेश्वर के कई गरीब और बेसहारा परिवारों पर भूखे रहने की नौबत आ पड़ी है। ऐसे में NBCN न्यूज नागपुर मेट्रो समाचार परिवार की ओर से योगेश कोरडे इमरान शेख के हाथों जरूरतमंदों को अनाज किट का वितरण किया गया। अब तक सैकड़ों गरीब परिवारों ने इसका लाभ उठाया है। कोरोना वायरस इस महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। बिना दिखे अदृश्य रूप से ये इंसानों को जख्म दे रही है। इस महामारी से कई देश थर्रा कांप उठ रहे हैं। चीन, अमेरिका, यूरोप के साथ साथ कई ऐसे देश हैं जहां की जनता मौत के मुंह में लाखों की संख्या में जा चुकी है। कोरोना वायरस भारत पर भी हमला कर रहा है। भारत के कई राज्यों और शहरों में इस महामारी ने हॉटस्पॉट बना दिया है। कोरोना महामारी से देश और शहरों में लॉकडाउन की घोषणा जारी की गई है। पिछले 40 दिनों से लोग लॉकडाउन के चलते अपने घरों में हैं, कामकाज पूरी तरह से बंद पड़े हैं। ऐसे में गरीब, जरूरतमंद और बेसहारा की संख्या बहुत ज्यादा है और इन सब लोगों पर भूखे रहने की नौबत आ पड़ी है। ऐसे में कलमेश्वर के ऐसे गरीब परिवारों को NBCN न्यूज और नागपुर मेट्रो समाचार परिवार की ओर से सैकड़ों जरूरतमंदों को और गरीब लोगों को अनाज किट का वितरण किया गया। अनाज मिलते ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी और दुआएं भी वे लोग दे रहे थे। NBCN न्यूज चैनल और नागपुर मेट्रो समाचार के संयुक्त तत्वावधान में कलमेश्वर तहसील के आने वाले उन तमाम गांवों में योगेश जो हमारे संवाददाता है और इमरान, इनके माध्यम से कई लोगों को अनाज का किट वितरण किया गया है, जिसका लोगों ने भी फायदा उठाया है और जो बेसहारा जरूरतमंद लोग हैं ऐसे लोगों को अनाज किट का वितरण मिलते ही उनके चेहरे पे खुशी दिखाई दी है। इसी के चलते लॉकडाउन जल्द से जल्द खत्म हो यही लोग चाहते हैं और जो जो जरूरतमंद लोग हैं इन्हें भी आगे भी NBCN परिवार की ओर से ऐसी मदद की जाएगी। कलमेश्वर परिसर से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरे, NBCN न्यूज। कलमेश्वर से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरे, NBCN न्यूज नागपुर।